हार्दिक पांड्या है, डांडिया नहीं नहीं पांड्या नहीं नहीं डांडिया, ये डांडिया क्या एक्टिंग करके दिखा रहा है यार, इन स्विंग डाल दी बाबर को। खैर शबनम जब मारती है, सॉरी शुभमन जब मारता है ना, छोड़ता किसी को नहीं है वो, ऐसा वो कोई छक्के मारता है, ऐसा चौके मारता है। उसका जब जसप्रीत बुमराह वो 2 साल के बाद आया, वो 2 महीनों में अपना सारा गर्दों को बाहर निकाल रहा है, टीम पाकिस्तान उसके हट्टे चढ़ गई है। एक वक्त था जब इंडिया चांद पर लैंड कर गया था, एक वक्त आज है जब चांद इंडिया में लैंड कर गया है। बात कर रहे हैं किंग बाबर आजम की, पाकिस्तानी कैप्टन, पाकिस्तानी स्पिनर, पाकिस्तानी स्कीपर को लेकर, जिसने इंडिया में उतरते वो धमाल, वो बवाल मचाया। हर बंदे के हाथ में कैमरा, हर बंदे की जुबान पे एक ही नाम है, बाबर भाई, बाबर भाई, बाबर भाई। पूरी इंडियन मीडिया, पूरी इंडियन पब्लिक पागल हुई, जितना हमने तवक्को किया था उससे ज़्यादा बढ़कर इस्तकबाल किया है। रिस्पेक्टेड इंडियंस के यहाँ पे जिन्होंने इतना शानदार इस्तकबाल किया किंग बाबर आजम का। भाई अविनाश आर्यन, एक बंदा इंडिया में अविनाश आर्यन, उसने तो पहले ही कह दिया था कि जिस दिन बाबर इंडिया में आए ना, उस दिन आग लग जानी है मीडिया पर, वो चैनल की रेटिंग होनी है, वो मीडिया की एक एक तस्वीर के लिए लोग भाग रहे हैं यार, बाबर भाई, बाबर भाई। अच्छा ये देखें, 20 बंदे उतरे इंडिया में पाकिस्तान के, जो क्रिकेट खेलने गए, वर्ल्ड कप खेलने गए, एक ही बंदे का नाम है बस बाबर, बाबर कि बाबर भाई, एक तस्वीर, बाबर भाई एक स्माइल। यहाँ तक के जो ये चाचे ना, इंडियन चाचे पुलिस वाले, ये भी इतनी कोई चाहत से, इतनी कोई मिठास से देख रहे हैं बाबर को, जैसे बाबर नहीं अबू लौट आए सदियों बाद घर वापस, बाबूजी आप आ गए हैं, ऐसा कोई सीन चल रहा है बाबर को लेकर यार। बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं दिल से, ये तो मजाक हो गया कि बाबर की, वाकई बाबर की टीम पाकिस्तान की, इंडिया ने बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया अपने कल्चर में, तहजीब में। वो गाना लगाया है, वो पता नहीं कौन सी फिल्म का था, लेकिन एक गाना लगाया है, उसमें बड़ा रवायती सा डांस हुआ है, और पाकिस्तान टीम को वो वाले बड़े बड़े बच्चादने पहनाई गई हैं, जैसा भी उनका कल्चर है। खैर हम इतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट और प्यार मिला वो काबिल तारीफ़ है। बड़ा शानदार इस्तकबाल किया पाकिस्तान टीम का, देखिए इतने बंदे गए, वहीं 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 शादाब भी गया है, और कोहली ने देखे तो कोहली ने कहा, देखे भाई मुझे शादाब ने मैसेज कर दिया, अब इससे ज़्यादा मैं रन नहीं बना सकता, मुझे जाना होगा और मेरी मजबूरी है, मुझे बुलाया है शादाब ने, बुलाया और मुझे एयरपोर्ट उसको लेने जाना। 56 रन बनाकर कोहली आउट हो गया यार, इतने खिलाड़ी गए पाकिस्तान के। लेकिन किंग बॉबी का जो स्टाइल है ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, ये इंडियंस ने करके दिखाया। और जो बाबर का जो स्वैग है ना इंडिया में, वो कमाल है। अविनाश आर्यन ने पहले ही बता दिया था कि यार सबसे बड़ा इंडिया में अगर कोई फ़ैन है ना बाबर का, तो वो अविनाश आर्यन है। मैं समझता हूँ वो बंदा प्यार नहीं करता बाबर से, इश्क में मर चुका है। बड़े तो हम भी हैं, पर वो हमसे भी कहीं ज़्यादा है। जो है ना उसने एक अलग लेवल का जो है ना बाबर से टच ले रखा है यार, वो एडवांस बाबर की इतनी तारीफें कर देता है, लेकिन हुआ भी वैसे जैसा उसने बोला है। और अब तो जो है ना, बात करते हैं खैर इंडिया की, जो हम बैक करते हैं, इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, इस मैच में हमें ये लग रहा था कि शुभमन गिल जो है ना 25-26 रन की ज़रूरत है वो बना लेगा, उसके बाद वो वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन, नया एक बैटर बन जाएगा, और वो वर्ल्ड कप जो खेलेगा नंबर 1 बन के खेलेगा, बाबर नंबर 2 पे होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इंडियंस यहाँ पे को बाबर को थोड़ा सा और समय दे दिया है, लो जी आपको थोड़ा और समय दे देते हैं, अपने नंबर को बरकरार रख लो, वरना हमारी शबनम आ जाएगी, सॉरी हमारा शुभमन आ जाएगा। और जो है ना शुभमन गिल बहुत अच्छा बैट्समैन है, बड़े रन बनाए, आज उसको रेस्ट करवा दिया, कोहली को खिला लिया, लेकिन ये नहीं पता था कि आज शादाब भी एयरपोर्ट पे आ रहा है। ये तो थे मीम्स, थोड़े से मीम्स के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। खैर हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि पाकिस्तान टीम इंडिया में पहुंच चुकी है, और इंडिया में जो रिएक्शन और रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिला है वो कमाल है। और हम यहाँ पे इंडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने जितना हमने सोचा था उससे बढ़ के प्यार दिया। अभी एयरपोर्ट पे ही अभी जो आगे मैचेस होंगे, वहाँ पे टिकट्स होंगे, अहमदाबाद में जो शोर व गुल होगा, जो बाबर के चौके होंगे, जो कोहली की हैरानियाँ होंगी, और वो रोहित की वो लड़ाइयाँ होंगी, वो जो मैच होंगे ना वो कमाल होंगे। बस दुआ करें बाबर के बल्ले से अहमदाबाद वाले दिन 15-14 अक्टूबर को सेंचुरी निकल आए, किसी भी तरह जो है इंडियंस को ठोक दे वहाँ पे, फिर जो इंडियंस की जो हालत होगी ना मीडिया पे वो देखने वाली होगी यार। खैर जो भी लड़ेगा, जो भी जीतेगा, खेल के जीतेगा, इंडियंस अच्छा खेले तो वो ज़रूर जीतेंगे, अगर पाकिस्तान अच्छा खेले तो वो ज़रूर जीतेगा, हम किसी एक को फेवर नहीं दे सकते। दोनों टीमें मजबूत हैं, अच्छी हैं, तगड़ी टीमें, और यहाँ पर थोड़ा सा टच इंडिया को मैं दे सकता हूँ कि इंडिया इस टाइम ज़्यादा फेवरेट हुई पड़ी है, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंसेज आउट क्लास हैं भाई। किसी एक बंदे को उठा ले, बॉलर, ऑलराउंडर, मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, हर बंदा अपना 100% करके दे रहा है। इंडिया यहाँ पे फेवरेट है, ना सिर्फ पाकिस्तान के मैच के लिए बल्कि वर्ल्ड कप के लिए। और पाकिस्तान की परसेंटेज यहाँ कुछ कम है, लेकिन कुछ कम पाकिस्तान भी नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान को सब जानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है, ये उनकी खासियत है। शानदार तरीके से नहीं जीतते, कभी ऐसा है ही नहीं हमारे कागजों में कि हम आराम से जीत जाएं। हमें मेडिकल स्टोर की वो गोलियां भी तो बिकवानी होती है, हम बड़ी क्रिटिकल इंजरी अपना सिचुएशन में जाके मैच को जीतते होते हैं, ये हमारा स्टाइल है। वो कहते हैं ना ये बाबूराव का स्टाइल ही रहे, ये पाकिस्तान का स्टाइल ही रहे। अब जो है ना, अब टेस्ट है हमारे पास, पूर क्लास थर्ड क्लास स्पिनर को जो लेके बातें बन रही थी कि अब शादाब, नमाज, उसामा, अब इसमें से बहस है कि कौन सा खिलाड़ी जो है ना खेलेगा मैचेस में। वार्म अप मैच में पता चल जाएगा शादाब कितने फॉर्म है। मेरा ख्याल है नवाज़ चाचे को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए यहाँ पे, जो है ना
चाचू उसामा को लेना चाहिए बीच में, उसको खिलाना चाहिए। अहमदाबाद की विकटें अगर तो उनकी पड़ने शुरू हो गई ना, इंडियंस के अगर लगने शुरू हो गए ना, फिर 350, 450, 450 ये वाला फिगर रखें, इससे कम वो डालेंगे नहीं आपको रन। शबनम जब मारती है, सॉरी शुभमन जब मारता है ना, छोड़ता किसी को नहीं है वो, ऐसा वो कोई छक्के मारता है, ऐसे चौके मारता है, उसका जब बल्ला खुल जाए ना उसके बाद वो बाकी भी खोल देता है, ये मतलब उसका स्टाइल है। और रोहित चाचू बड़े उम्र में बड़े हो गए लेकिन मारना नहीं भूले, वो कहता है ना सुल्तान कहता है, मन ने लड़ना जरूर छोड़ा पर लड़ना भूला नहीं हूँ, वही चाचू रोहित है। फिटनेस ज़रूर चली गई है लेकिन हिटिंग करना जानता है, इसको हिटमैन ऐसे नहीं बुलाते, रन बनाना जानता है। हाँ, और कोहली, कोहली ने बड़ा लिहाज कर लिया, शादाब अपनी जगह, मुल्क अपनी जगह है, कोहली कभी भी नहीं छोड़ेगा जो है ना, कोहली ने सोचना शादाब तो जो है ना, शादाब तो आनी जानी चीज़ है यार, आज इधर आया कल पाकिस्तान चला जाएगा, मुल्क में तो रहना है ना, टीम में तो रहना है ना शादाब। कोहली भी बड़ा मारेगा भाई। और जसप्रीत बुमराह वो 2 साल के बाद आया, वो 2 महीनों में अपना सारा गर्दो गुबार निकाल रहा है, टीम पाकिस्तान उसके हट्टे चढ़ गई है, वो वाली स्विंगें डाल रहा है, वो वाली बॉलिंग कर रहा है जो करनी वाली नहीं है। और वो हार्दिक पांड्या है, डांडिया नहीं नहीं पांड्या नहीं नहीं डांडिया, ये डांडिया क्या एक्टिंग करके दिखा रहा है यार, इन स्विंग डाल दी बाबर को। खैर उस दिन उसका कोई कमाल नहीं था, उस दिन जो है ना विकेट का टच मिल रहा था, गीला विकेट था, बाबर ने कहा कोई नहीं बच्चों आज जीत लो, उस दिन देखूंगा जिस दिन मेरा दिन होगा, इंडिया में जाके इंडिया को हराऊंगा। उसका एक अपना ही जो है ना क्रेज़ है, एक मज़ा है। और जो है ना अब हम बात करते हैं, इतनी जितनी बाबर का नाम चल रहा है ना इंडिया में, इतना ही चलना था शायद नसीम शाह का। आए हाय हाय, इंडियन लड़के जो उसके पीछे फ़ैन है ना, जो पागल है, नसीम शाह की बड़ाई कोई वेट था लोगों को वहाँ पे, मगर बदकिस्मती से बेचारे का नाम नहीं आ सका और इंजरी हो गई है। शाहीन का बड़ा नाम होता था लेकिन जब से उसने वो पिटाई हुई ना उसकी 80-85 नज़र डाली, तब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन शाहीन ने भी पीछे जो है ना थोड़ा सा हाथ ला दिया था कि लो जी मैं भी आया हूँ, आई एम कमिंग हेयर इंडिया में, मैं भी यहाँ पर आया हूँ। और खाली बाबर ही नहीं आया, हम और भी 17 लोग हैं, हमें भी याद करो, हमें भी देखो यार, हमारे भी फैंस हैं। और नसीम शाह अगर जाता तो क्या ही मज़ा था, जो है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प मैच होना था। खैर पाकिस्तान टीम जो है ना इंडिया में पहुंच गई है, और अब हम बस यही दुआ करते हैं कि अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेशन हो, वार्म अप मैच में वो एक तरफा ठोक दें न्यूजीलैंड को, उसके बाद जो है ना इंडिया के लिए प्रिपेयर हो जाए। पहले 2 मैच जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो ना जीते तो फिर पाकिस्तान टीम स्टार्टिंग में फंस सकती है, फिर एंड में हमें इंडिया पर डिपेंड करना पड़ेगा, रन रेट पर बात चली जाएगी, इंडिया तुम ये मैच जीत लो और तुम वहाँ से हार जाओ, बेहतर है कि उससे पहले ही मैचेस जीत लिए जाए, पहले गेम को अपने हाथ में कर लिया जाए, ठीक है। तो बेस्ट विशेष टीम पाकिस्तान की। ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा ना, चैनल अच्छा लगा तो यार सब्सक्राइब कर लो, वरना सब्सक्राइब कर लो, बस मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है। लाइक लाजमी कर लीजिएगा, लाइक की रेटिंग्स बड़ी कम आती है, जितने बंदे देखते हैं उतने लाइक नहीं करते होते यार, लाइक करने से कुछ नहीं होता, ये लाइक का जो बटन होता है ना ये होता है, इसलिए इसको टच करके दबा दिया जाए, ठीक है, इसको दबा लें, सब्सक्राइब कर लें, और जो है ना फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे। ये 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 यहाँ पे ये वाला ये सब्सक्राइब का बटन है, ठीक है। थैंक यू जनाब, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।